उठाकर संगे चलिए है, ताकि कोई छीन के भागे ना तो दवा के पानी। तो दोस्तों फाइनली हम ब्रह्मा जी के मंदिर पुष्कर में प्रवेश कर चुके हैं और हम लाइन में जा रहे हैं। हम लोगों ने अजमेर में एक मोबाइल खो दिया, इसका बड़ा अफसोस है। नहीं नहीं चलो हम तो ब्रह्मा जी को चश्मा चढ़ाने जा रहे हैं। तो दोस्तों हम लोग फाइनली ये पहुँच चुके हैं पुष्कर, और पुष्कर का ये नदी है, पुष्कर का ये घाट ताल कौन सा घाट है क्या पुष्कर घाट, पुष्कर घाट है। यहाँ पे हमने फूल अर्पण किए, ब्रह्मा घाट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, चल फोटो ले फोटो ले। सागर मोबाइल दूर रखो भैया, सागर दूर करो। सब में लेना ले तो आराम से, धीरे 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 धीरे। हनी कहाँ हनी, धीरे धीरे हनी। तो दोस्तों ये है पुष्कर धाम और हम अभी पुष्कर सरोवर में खड़े हैं। चलो 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 अब जाते हैं वापस अपनी गाड़ी में और आगे के पॉइंट का नज़ारा आपको दिखाते हैं। चल आ रहा है ना, देख तलवार देख तलवार। चलो जी जी टापू को ले जाते हैं और जो ये पानी की बोतल हो गया ना आना सागर 50 रुपए की है, यहाँ पे चाय 50 रुपए की है, वो टापू है, चलो टापू ही बनो आइलैंड। दोस्तों नमस्कार, तो फाइनली हमारी अजमेर और पुष्कर की जो यात्रा है वो फाइनली कंप्लीट हो चुकी है और अभी हम ट्रेन पर बैठ चुके हैं और ये हमारा ट्रेन रेल कोच है और B6 B5 में हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और जा रहे हैं जबलपुर और हमारी यात्रा जो थी ख़त्म हो चुकी है और आई होप आप सबको मज़ा आया होगा, अच्छा आया होगा। तो चलिए AC कोच में रिजर्वेशन था तो चलो मैंने सोचा आपको यहीं से एंड करूँ क्योंकि टाइम बहुत मिल जाता है और अच्छे स्लीपर्स में ज़्यादा बात करने का समय नहीं मिलता है। तो चलो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग पर, आगे थोड़ी सी और जर्निंग आपको बताता हूँ और फिर मिलते हैं आगे। और अभी जयपुर पर ये रेल स्टेशन रुकी हुई है और जयपुर से हम सीधा अभी निकलेंगे तो फिर आगे आपको बताते हैं।